आज हम लोग बनफुल भाग वन के अंतर्गत सेट्रा चैप्टर, जो सेट्रा कहानी है, उसको देखेंगे। इसके राइटर का नाम क्या है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। ना, सेट्रा कहानी है और सहनी उपेंद्र पाल उनके राइटर हैं। तो हम लोग देखेंगे, सेट्रा एक लड़का का नाम रहता है जो अपने नाना या नानी का घर रहता है। वो अपना नाना और नानी के घर नहीं रहता है ना, ननिहाल में रहता है। और सेट्रा वो बहुत कह सकते हैं एक चंचल लड़का रहता है ना, वो सताते रहता है एक बूढ़ा व्यक्ति को। तो उसी के ऊपर यहाँ पे कहानी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कहानी स्टार्ट होता है ना। नानी ए नानी, क्या लिखा हुआ है? नानी ए नानी का तियन राइंद हीस। ये सेट्रा बोलता है, एक बच्चा बोल रहा है ना, ये लड़का जो है बोल रहा है, नानी ए नानी का तियन राइंद हीस ना, मतलब कि का तियन मतलब क्यों बना रहे हैं खाना, ठीक है? राइंद मतलब खाना बनाना ना, खाना क्यों बना रहे हैं? आज बूढ़ा खाई ले नहीं आवी। अब खाना बना रहे हैं बूढ़ा के लिए, नानी मतलब नाना के लिए जो बना रहे हैं खाना ना, वो बूढ़ा आज क्या है नहीं आएंगे, ठीक है? मछरी तियन जोन राइंद हो रे। अब नानी बोल रही है ना कि मछरी तियन जोन राइंद हो रे, मतलब मछली हम बना रहे हैं, बूढ़ा काले खाए नहीं आवी। अब बूढ़ा क्यों खाने नहीं आएगा, हम मछली बना रहे हैं उनके लिए तो ना। तो और आगे क्या बोला जा रहा है कि हर के खोल के ओहे ठन मछली मारत है ना। अब लड़का बोल रहा है कि हर के ना, बैल का जो हल जोतने गया था खेत में, तो हर के खोल के ओहे ठन क्या कर रहा है? मछली मारत है। बूढ़ा क्या कर रहा है? मछली मारत है, मतलब जो नाना इसका रिश्ता में लगा बगलगीर का ना, मछली मारत है। रेंधा पेंधा हुटा मन हो मछली धरत है। और रेंधा जो है नाम है ये सब ना, रेंधा पेंधा हुटा मन, सब सारे लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग मछली धरत है, सब लोग मछली धर रहे हैं। मोहो जात हो, अब ये लड़का जो है वो क्या बोल रहा है कि हम भी जा रहे हैं वहीं पे, भात तियन के ओहे ठन पहुंचाई ले कही है। और वे लोग क्या बोले हैं, नाना क्या बोले हैं कि भात जो भी है खाना बनाई हो, भात वहीं पहुंचा दीजिए ना, वहीं पे खाएंगे, पहुंचाने के लिए बोला है। हाँ रे के हर नदी ठन पहुंचाई रखी। तो नानी बोल रही है कि वो बोले हैं तो कौन पहुंचाने जाएगा नदी पर ना, या इस तरह से बोला जा रहा है। आब से के तोय जानबे मोय तो चल लो। अब ये लड़का क्या बोलता है कि आब से के तोय जानबे, मतलब तुम जानो कि कैसे पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी ना, नानी को बोल रहा है, ठीक है? ये अपना नानी नहीं है इसका, याद रखिएगा। आब से के तोय जानबे मोय तो चल लो, हम तो चले। अरे सुन सुन रे सुन रे ना, तनिक सुन ले ना। नानी क्या बोल रही है कि अरे सुन रे मतलब सुन रे, सुनो 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 ना, थोड़ा सा सुन लो, का कहती जल्दी कह। तो लड़का क्या बोलता है, का बोल रही है जल्दी बोलो ना। फिर अब देखिए यहाँ पे, अरे भात तियन के तोहे नहीं पहुंचाई दे। अब क्या बोल रही है कि भात जो है तुम ही पहुंचा दो जाकर ना, बड़ा धर्म होवी नाती। क्या बोल रही है नानी, क्या बोल रही है कि बहुत धर्म होगा, तुम ही पहुंचा दो ना, हम कितना दूर बूढ़ी हो के मतलब इतना इस उम्र में उतना दूर जाते रहेंगे, तुम ही पहुंचा दो। मोय तो मछली धरे ले ओहे ठन जात हो। ये लड़का फिर बोलता है कि हम तो क्या मछली पकड़ने वही जा रहे हैं, दे जून पहुंचाए देबू, दे दो हम पहुंचा देंगे ना, इस तरह से। फिर देखते हैं आगे, अब रे आइस कर रौद। अब क्या हुआ, बूढ़ा जो है खेत में जो गया था हल जोतने, वहां से फिर वापस आ गया है, वहां का दृश्य है। बाप रे आइस कर रौद, बुढ़िया बोल रही है ना, बुढ़िया क्या बोल रही है, बाप रे आइस कर रौद, कितना आज धूप था ना, कने कितना मछली मार ले। अब ये पूछ रही है ना जब आने के बाद कि कितना मछली मारेगा, तो आप मछली मार रहे थे। तो यहाँ पे बौर इसला की का ना, अब बूढ़ा बोल रहा है कि बौर इसला की का, भूखे पेट कर पोटा एठाई थे तले इकर मछरी और खाखरा। पागल हो गई हो क्या? और इसला मतलब होता है पागल ना, पागल हो गई क्या, भूखे पेट कर पोटा, मतलब भूखे पेट हमारा यहाँ पे चूहा दौड़ रहा है, ठा रहा है, ये जो आंत है ना एठाइट है तले, और तुम बोल रहे हो मछरी और खाखरा मतलब कर रहे हो, ठीक है? इस तरह से। तो ओहे सेटरा जुन कहलक, बूढ़ा नदी में मछली मारा थे। अब बुढ़िया बोल रही है वही सेटरा जो लड़का है, सेटरा जुन कहलक कि बूढ़ा नदी में मछली मारा थे ना, वही तो लड़का बोला हमको, सेटरा बोला। अरे वो बत धुकवा कर बात के की सच्चे पतियाबे। वो बत धुकवा है, वो लड़का बात धुकता है, खाली झूठ मूठ के बोलते रहता है, ओकर बात के सच मत पतियावल करो, सच मत मानल करो, पतियाना मतलब मानना, मानना। जल्दी भात हेर, जल्दी क्या करो, बात भात को फेरो, हमको भूख लगा हुआ खाना खाना है। तोर बटा भात के तो वो बूढ़ा ओहे ठन
मांग है कहलक से ले मोई उकरे से नदी ठन भेज दे लो तले मोई खाई पी ले लो। अब बूढ़ी क्या बोल रही है कि तोर बटे भात के मतलब तुम्हारा आपका हिस्सा जो भात का जो था वो तो बूढ़ा ओहे ठन मांग है कहलक सेठरा ऐसा बोला था कि बूढ़ा वही ठक माना है से ले मोई उकरे से नदी में तो भेज दिए थे तले मोई खाई पी ले लो। अब बाकी जो बचा हुआ था हम खा पी लिए हैं तो बचा कहाँ है। तब का तोर कपार के खाबो बाइठ रे वो छोड़ा के मोई काट देबो। ये बूढ़ा क्या बोल रहा है कि तब हम क्या तोर कपार के खाओ बाइठ रुको उसको हम क्या करते हैं वो छोड़ा के हम क्या करेंगे काट देबो मतलब काट देंगे मार देंगे हम। इतना मतलब गुस्सा लगा इस बूढ़ा को ठीक है। ऊकर करजा के भूंज के खाई देबो। हम गुस्सा में बोलते हैं ना करजा उसके भूंज के खा देबो ऐसन की ठकी ऐसा ठगना चाहिए किसी को ऐसा झूठ बोलना चाहिए ना इस तरह का वो बूढ़ा बोल रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं बूढ़ा और सेटरा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बूढ़ा और सेटरा दोसर दोसर जात कर रहे हैं। बूढ़ा और सेटरा कौन कौन जात का दूसरा दूसरा जात के थे मुदा गांव कर नाता से सेटरा वो बूढ़ा के नाना कहते रहे मतलब गांव के अगल बगल के चलते ये नाना कह रहा था जात उन लोग का सेम नहीं था। और यह नाना कहेक नाना रंग फिदरित कर कारण रहे वो बूढ़ा लेगिन। और यह नाना कहेक नाना रंग फिदरित कर कारण रहे वो बूढ़ा लेगिन। तो इसमें क्या बताया गया है कि बूढ़ा और सेठरा दोसर दोसर जायत कर थे मुदा गांव के नाता के चलते वो बूढ़ा के नाना कहता था। और यह नाना कहे के नाना जो नाना कहने वाले थे मतलब कहने के लिए बस नाना थे रंग फिरदैत कर कारण रहे वो बूढ़ा के मतलब बूढ़ा का जो रंग फिरदैत का मतलब चेहरा पे निखार आने का या फिर कह सकते हैं उसका उसको मतलब परेशान करते रहता था बूढ़ा के लिए एक एक ये साधन था उसका जीवन का आधार था कह सकते हैं ना वो लड़का सेटरा भले ही वो तंग करता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेटरा बूढ़ा के देख तक तले मतलब जब भी सेटरा बूढ़ा को देखता था तले क्या कहता था तले एगो गीत के जरूर गाथक ना जब भी देखता था इस बूढ़ा को तो सेटरा जो लड़का था गीत को जरूर गाता था एगो गीत के जरूर गाथक क्या गाता था नाना कहते हो गया प्यार। कौन गाना गाता था नाना कहते हो गया प्यार कह के चिढ़ाता था और बूढ़ा ओके नाना रंग कर गारी देता और बूढ़ा क्या करता था नाना प्रकार के गारी देता था गुस्सा में कि ना वो भी चिढ़ता था और गाली देता था उसको इसी में मजा भी आता था। गारी सुन के आदमी के खिस लगेला तब गारी जब बूढ़ा देता था तो कोई भी आदमी को खिस लगेगा मगर उस सेटरा रहे कि बूढ़ा से गारी सुन के ऊकर हृदय आनंद से गदगदा जात रहे उसको बहुत अच्छा लगता था उस बूढ़ा जब वो गारी देता था ना उसके नाना जो मतलब बस गांव घर के नाना है ना उनको जब वो गाली देते थे तो इसको बहुत अच्छा लगता इसका दिल में मतलब दिल गदगद हो जाता था मतलब एक तरह से बोलते हैं ना जिसको प्यास लगा हुआ है प्यास बुझ जाता है मिट जाता है इस तरह से उसको लगता था। एक दिन बूढ़ा नावा बाछा के लेके नावा बाछा मतलब कि जो बाछा होता है जो बच्चा बाछा होता है ना बैल नहीं बना है नावा बाछा के लेके हर जोतत जाए रहे नावा बाछा मतलब वो कभी हल नहीं जोता है ना नया नया है तो जो हल जोते जाते रहे दिशा लगलक उसको लैटिन लग गया उस बूढ़ा को ना लगलक तब हर के खड़ा कर के नदी दन उतरलक नदी में उतर गया पहले लोग तो खुले में सोच करते थे ना इतने इतने में क्या हुआ कि सेटरा दुयो बाछा के जुआइट से खोल के जुआट लगा रहता था उसको खोल के एगो एगो के उत्तर एगो के में कहा उत्तर दिशा में और दूसर के दक्षिण दने भगवाई देलक दोनों को अलग अलग दिशा में क्या करते भगवा दिया। बूढ़ा आया अलग तले हो रे कहते गोला के घुराए लाने गोला मतलब यहाँ पे जो बैल है ना बैल जब जो हल जोते होंगे तो आपको पता होगा ना गोला बैला बोलते हैं ना गोला के एक को गोला बोलते हैं और तले दूसर सावना दूसर दन बद के मतलब यहाँ पे दोनों बैल दो दिशा में कर दिया गया है तो गोला के घुराए लाने गोला को अगर ये घुलाने जाता था मतलब बैल को एक बैल को अगर घुराने जाता था तब ले मतलब तब तक सावना दूसर दिन बद के मतलब दूसरा दिन चल जाता था मतलब एक को लाता था दूसरा चल जाता अलग चल जाता क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में भगा दिया था दोनों को। बेचारा बूढ़ा बाछा के घुराए घुराए के लिए कुदाते कुदाते थाई के हापूस हो गलक
मतलब घुराने के लिए बच्चा को, थक गया इधर से उधर दौड़ते 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 थक गया। तले सूरज दने हाथ उठाए के सरपाई लागलक, सूर्य भगवान के हाथ मतलब हाथ उठा के उधर उसके तरफ मतलब सूर्य भगवान के तरफ हाथ उठाकर श्राप देने लगा। दुहाई सूरज भगवान, क्या श्राप देने लगा? दुहाई सूरज भगवान, ये छोड़ा के मोराई दो, ये छोड़ा क्या कर दो, मुआ दीजिए ना, एकदम मोराई, एकदम मोराई दो। जहिया ई मुदई कर धुगिया उठी, मतलब कि मरने के बाद धुगिया उठता है ना, जलता है, से दिन रवरे नाव से दुई गो चरका चिगना पूछमु। आपके नाम से मतलब सूर्य भगवान के नाम से ना दो ठो चिगना पूजेंगे, दो गो चिगना देंगे। उन्हें सेटरा गोटे टुकु ऊपर बैठ के, कहाँ पे टुकु ऊपर बैठ के गीत गावत रहे। क्या गीत गा रहा था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, इस तरह से ना वो गीत गा रहा था। तले आपने ही दुयो बाछा के घुराई के लाइन देलक। और फिर वो लड़का जो है खुद ही दोनों बाछा को ना घुरा के ले आया और कहलक और कहा, ये दे ले दुयो बाछा के, लो ये दोनों बाछा के, अपने से छूट के भाग रहे, अपने से भाग गया था छूट के। तले बिन दोषे मौके सरपा थे, अब बिना दोष के हमको तुम आप ऐसे श्राप दे रहे हैं। बूढ़ा आदमी तले बंजगट बंजकट बाछा के लाइन है हर जोते ले। बूढ़ा आदमी तले मतलब बूढ़ा आदमी है और ये बंजगट बाछा के लेके आया है ना, मतलब ये पहली पहली बार बाछा के जोतने के लिए लाए हैं। रह आज बुढ़िया के कहे दे, आज बुढ़िया के मतलब नानी के बोलने दो, एको आयतर कर नहीं जोतीस, एको ना थोड़ा सा भी, एको आतिर मतलब थोड़ा सा भी नहीं खेत जोता है। काके बूढ़ा हर जोतक, मतलब बूढ़ा कहाँ से हर जोतक, थाई के वो लुटपुटा हो जाए रहे, क्योंकि वो थक के क्या हो गया था, मतलब लुटपुटा गया था दम पूरा। हर जुआइट के वही के हर जुआइट के क्या किया, बोहा लगाया दुयो बाछा के खेतते दिन से दिन घुरलक, मतलब ऐसी घुर गया, खेत नहीं जोत पाया बेचारा, बहुत ज्यादा थक चुका था। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, नाना ए नाना बाजार जाबे का, अब यहाँ पे दूसरा दृश्य आ गया है ना, अलग है। अब ये सेटरा बोल रहा है नाना के, नाना ए नाना बाजार जाबे का, जाबू चाहे नी जाबू, एकर से तो के का मतलब। अब क्या बोल रहा है गुस्सा में ये नाना, क्या बोल रहे हैं कि जाबू चाहे नी जाबू, मतलब जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तुमको क्या मतलब है, देख तो जाबे हल मोहे संगे जाबू सोचत हो ना, अगर आप जाएंगे, ये बोल रहा है कि अगर आप जाएंगे तो हम सोच रहे थे आपके साथ जाएंगे। नाना नाती संगे जाती ना, क्या बोल रहा है कि नाना नाती संगे जाती, एक साथ जाते। भाग सर तो ये बहुत चंडाल आहिस, क्या बोल रहे हैं बाबा, बोल रहे हैं कि भागता है कि नहीं यहाँ पे, तुम बहुत चंडाल हो, तोर संगे नहीं जाबू, तोर संगे हम जाएंगे। नहीं नाना आइज मोई कोई नो अगड़ बगड़ नहीं करबू, आज हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ना, ये दे दुयो कान के धरत हो, ये देख लो दोनों कान के हम पकड़ के दिखा रहे हैं ना, कोई गलती नहीं करेंगे। तो उसके नाना क्या बोलते हैं, बोलते हैं फिर भाग भाग, तोर कोनो विश्वास न कि, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। नहीं नाना सच एकदम सच कहत हो, रोज रोज का हंसी ठाठा, रोज रोज का हंसी मजाक करेंगे, आज हम कुछ नहीं करेंगे नाना, हम साथे चलेंगे खाली आपका, ठीक है। देखबे तब आज कोनो बदमाशी मत करबे, ठीक है आज देखिए ध्यान रखना कि आज कोई बदमाशी मत करना। अछिंदर पानी बरिसलक नाना का तईर घर घुरबे, अब दोनों तो चल गए, अब खूब पानी बरसा और बीच में नदी पड़ता है, और ये लोग बोल रहा है कि अब घर कैसे घूरेंगे भाई ना। हाँ रे बाजार आवल तो घर हो गेलक, अब नाना क्या बोल रहे हैं कि हाँ रे अब तो बाजार बाजार जो आया हुआ क्या हो गया, घर हो गया, हम लोग कैसे जाएंगे आज तो, यह गांव केकरो घर रही जा नाना। अब सेटरा क्या बोल रहा है कि आज यही केकरो घर रुक जा, आज नदी में छाती भर से कम पानी नहीं होगी, नदी में क्या है छाती भर पानी होगा, तो लांगे के नहीं पार भी, और नदी आप पार नहीं कर पाइएगा, तो ही का तैर पायर होवे पार जे, क्या तुम पार हो जाओगे। नाना उसको बोलते हैं क्या तुम पार हो जाओगे, मौके तो घर घूरना जरूरी आहे। अब लड़का क्या बोल रहा है कि हमको तो घर घूरना बहुत जरूरी है नाना, मोय तो कोनो तैर लांगे जाबो, हम तो कोई तरी पहुंच ही जाएंगे, लांग जाएंगे, नदी पार कर देंगे। नहीं नाती, अब बाबा बोल रहे हैं ना, नाना बोल रहे हैं, नहीं नाती पानी से खिड़वाए करे नखे, पानी से मत खिड़वा करो, तो ही रह जा, तुम भी तो रह जाए, तुम ही रह जाओ। नहीं नाना मोय तो
घोरिए जाबू, हम तो घूर जाएंगे यहाँ से ना, चल जाएंगे नदी पार कर लेंगे। तो अब नाना बोल रहे, देखबे तब एकलाई अगुवाई के ना हेलबे, मतलब अकेले आगे आगे मत हेलना, और मन पार होबे, और लोग जाएंगे आएंगे पार होंगे ना, लागबाई तब देख बुझ के लांगबे, तब तुम देख समझ सूझ बूझ के से ही तुम आगे नदी नदी पार करना, जब और लोग नदी पार करेंगे। और तो नानी के सुनाई देवे, अब अपने नानी के बता देना कि मोर आसरा ना देखी, आज आसरा हमको नहीं देखेगी ना, खाई पी के सूती, मोई बिहाने जाबू, हम कब आएंगे, बिहाने आएंगे। बूढ़ा कहाँ रह लग रे, अब यहाँ पे घरे आ गया है लड़का, अब नानी पूछ रही है बूढ़ा कहाँ रह लग रे, सेटरा आंख के हाथ से ढपाई के कहलक, मतलब हाथ आंख के हाथ से ढपाई के, मतलब आंख ऐसे आंख बंद करके हाथ से कहलक, का तैर कहो नानी, कैसे कहो नानी ना, मोई नगदे कही रहो, हम तो सच कहत ही, आज ओहे गांव केकरो घरे रह जाब, हम तो बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे नाना के, कि आज आज वही गांव केकरो घर रह जाइए, मोर बात के नहीं माइन के, हमर बात के मानबे नहीं कर लो नाना, और पार हो जाए कह के नदी में हेललक, दुयो जन पार होत रही बीचो बीच नदी में, बूढ़ा कह के एकदम चुप हो गया, झूठ बोलत हीस, ठाठा करीस ला रे, मतलब तुम मजाक कर रहे हो रे, झूठ बोलते हो। नानी बोल रही है, नहीं नानी, मोरे के जिये में का झूठ बोलबू, मरने जीने में कोई झूठ बोलता है, सचे बूढ़ा नदी में बहाई गेलक, सच में बूढ़ा जो है नदी में बह गया है। अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब तो नानी है से जोर जोर से, हाय बूढ़ा मोके कर देले रे बूढ़ा ना, मोके का कर देले रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, मोर मोर तो हल तो मोर काम क्रिया करते, हम मरते तो, मतलब रोते रोते बोल रही है कि हम मरते तो तुम आप काम क्रिया करते, अब मोई का से का तैर करबू, अब मतलब आप काम क्रिया हम कैसे करेंगे, हाय करके मतलब छाती पीट पीट के रोने लगी। वो बोला बाछा के बेच दे नानी, अभी क्या बोल रहा है सेटरा, कि वो गोला जो बाछा है ना गोला, उसको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, तोर हाथे ओकर काम क्रिया लिखल है, वो तोरे हाथे ओकर काम क्रिया लिखल है ना, हाय रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, बुढ़िया अभी तक रो ही रही है ना, कोई भी रोएगा ऐसा समाचार सुनकर। अब यहाँ पे देखिए, बिहान बेरा बूढ़ा के आवे देख के, अब बिहान हुआ बूढ़ा आया, एक क्षण तो बुढ़िया जय गेलक, मतलब एकदम देखते रह गई के ऐसे, फिर ओकर हिया में आनंद कर लहर उमड़े लागलक, उसके दिल में उमंग मतलब बहुत खुशी से मतलब आया, उमड़ने लगा लागलक। हाँ ऊ मुरजरा मुरजरा सेटरा झूठो के बूढ़ा नदी में बहाई गेलक कही रहे, वो मुजोड़ा मतलब गाड़ी बोलते हैं ना, गाड़ी देते हैं इस तरह से, सेटरा जो झूठ के बोला कि बूढ़ा जो है नदी में बह गया है, बूढ़ा से सब बात के जानलक, बूढ़ा के से सब बात के जानलक, तब कराई के कहलक, मूसा मोराई के जहर के ऊ छोड़ा के दे देलहो पाप नहीं लागी। फिर क्या बोला कि मूस के भी जहर ना, मूस के मारने का जो जहर होता है उसको भी दे देंगे ना, तो हम लोग को पाप नहीं लगेगा, इतना वो बदमाश है। बुढ़िया ठीक है कहा थी, बूढ़ा बुढ़िया बोली ठीक है कहती, वो चंडाल मोरी से दिन गोटेक मुर्गा मारब, वो चंडाल जे मतलब वो लड़का जे दिन मरेगा उसी दिन हम लोग मुर्गा बना के खाएंगे। 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया सल्तत से रहे, अब यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया संसद से रहे, मतलब अच्छे से रह रहे थे, सेटरा काम करे ले रावल किला चल जा रहे, रावल किला कहाँ चले गए, रावल किला चला गया था ना उड़ीसा में जो है, मगर सेटरा कर जाल कर 6 महीना बीतते बीतते बूढ़ा बूढ़ी के ऐसा लागे लागलक, 6 महीना जैसे किया हुआ हो ना, बूढ़ा बूढ़ी को ऐसा लगने लगा मानो वो मन के हृदय कर रस कर पछरा सुखत जात रहे, मतलब हृदय का जो रस है खुशी है सब खत्म होते जा रहा है, इस तरह से लग रहा था उन लोग, कभी मन नहीं लगता था इसके बिना। और वो मनक जिंदगी झोझर पटिया, झोझर पटिया तैर हो जा रहे, मतलब झोझर खोखला पटिया तैर हो गया था ना। एक दिन बूढ़ा कहलक, ए बुढ़िया वो छोड़ा गेलक दिन से आइजो तक गोटपो चिट्ठी नहीं भेजे है, एक भी चिट्ठी नहीं भेजा है भाई, राउर केले में मोर खप गेलक की का ना, रावर किले में मर उड़ गया का, बुढ़िया बोल रही है का जैन बुढ़ा हुआ कैसन आहे, काइल सेटरा कर आयो घर, रावर केला सेटरा कर जो आयो है ना ठीक है, वो भी मतलब माँ है वो भी क्या जाएंगे, रावर किला जाए ओकर हालचाल जाने के लिए, उसके हालचाल जाने के लिए जाएंगे।
सेटरा कर आयो कर राउर केला गेल 15 दिन बीत गेला। उसकी सेटरा के जो आयु है वो भी गेले कितना दिन हुआ है, 15 दिन बीत गेलक। ना सेटरा कर आयो घुर आलक, ना उसके आयु आए है, ना सेटरा आलक आलक गोटे चिट्ठी, आलक गोटे चिट्ठी बुढ़ा कर नाव से, बुढ़ा के नाव से एक चिट्ठी आया। सेटरा कर आयो कर भेजल, और ये किसका आया है, सेटरा कर आयो कर भेजा हुआ चिट्ठी। चिट्ठी में लिखल रहे, सेटरा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जताई के रड़कुट हो गेलक। अब उसकी माँ मतलब आयु उसकी भेजी है ना चिट्ठी, इस तरह से लिखा गया है कि सेटरा कर गोड़ का हो गया, मोटर गाड़ी से जता के कट गया है, मतलब टूट गया है। डॉक्टर गोड़ के काट दिलक, डॉक्टर गोड़ के काट भी दिया। सेटरा अस्पताल में पड़ल आहे, सेटरा कहाँ है, अस्पताल में है। बाचे कर तो भगवान भरसा है, बचने का मतलब भगवान ही भरोसा है। चिट्ठी पढ़वाल बाद हाल जाइन के बूढ़ा बूढ़ी जग गेलक, मतलब दम ठिठक गए और एक दूसर के एकटक देखे लागलक। और से दिन कर संजोग, उसी दिन का संजोग देखिए, एक बूढ़ा मुर्गा मार रहे, उस दिन भी ये लोग क्या बनाए थे, मुर्गा बनाए थे। हमेशा बोलते थे ना कि मरेगा तो मुर्गा मारेंगे, और उस दिन भी क्या था, मुर्गा ही बनाए थे। बियारी भूखे नखे, बियारी भूखे नखे कह के बूढ़ा बेखाले सुत गेलक। क्या ये बूढ़ा क्या बोला कि भूखे नखे लगत ना, भूखे नखे सुत गेलक, बुढ़िया बेगर खाले सुत गेलक, और बुढ़िया भी सुत गया। मुर्गा शिकार रांधल के रांधल रह गेलक, बनावल बनावल इसी रह गया। बिहान बेरा बूढ़ा सूरज दन हाथ उठाए के गोहरात रहे, क्या गोहार लगा रहा था, क्या बिंदी कर रहा था, दुहाई सूरज भगवान मोर बाचल अर्दा के, मेरा जो जीवन बचा हुआ है, मेरा जो जीवन बचा हुआ है वो छोड़ा के अर्दा में मिसाई देव, वो छोड़ा के जिंदगी में दे दू, मेरा जो जिंदगी बचा हुआ है उसी लड़का को दे दू। इतना इन लोग मतलब चाहता था, बोलने के लिए बोल देता था, लेकिन तब पर भी इन लोग को लगाव हो गया था उस लड़का से। बेचरंगा लंगड़ाओ हो के जी जाओ, ये मना रहे हैं कि बेचारा लंगड़ा भी हो जाए लेकिन जी जाए कम से कम। आइस मौके और सरपात हिस बूढ़ा, आइस मौके और सरपात ही बूढ़ा, एक बारगी जंजय के बूढ़ा उलट के देखलक, कुछ पारे सेटरा खड़ा होई के हंसत रहे। अब देखिए क्या बोला, आइस मौके और सरापत ही बूढ़ा, ये सेटरा आके बोल रहा है ना, सेटरा का कुछ हुआ नहीं था, बस वो झूठ मूठ के चिट्ठी ऐसे लिखा था शरारत करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए, बूढ़ा को परेशान करने के लिए। आइस बूढ़ा मतलब आइस मौके और सरापत ही बूढ़ा कह के एक बारगी जंजय के बूढ़ा उलट के देखलक, कुछ पारे कुछ दूर पे सेटरा खड़ा होके हंसत रहे। बूढ़ा गुल करके कहलक, अदे बुढ़िया ये छोड़ा तो जीते आहे ना, ये आगे ना बुढ़िया को बोल रही है ना, ये छोड़ा तो जिंदा है। बे पाइस के मोराल बेगर ई का के मोरी ना, बे पाइस के मोराल बगर मतलब बिना इसको पाइस के बिना मार ले ये अपने मरे के बात है, रह ई आइस के कहाँ भागबे, आज कहाँ भागेगा, तोर गोड़ के तोरल बिन आइस मोई नहीं मानबो, आज बिना गोड़ के तुमको तोड़े बिना नहीं मानेंगे। सेटरा अपन घर दन भागलक, सेटरा का जब घर था वो अपने घर दिन भागा। तनिक देरी बाद बूढ़ा सेटरा कर घर गेलक, सेटरा घर गया और सेटरा कर आयो से पूछ लग, अब सेटरा साइज ने बेटी, सेटरा की मम्मी से पूछ रहे, मतलब सेटरा की मम्मी हाँ से पूछ रहे ना, नहीं बेटी मोर नाव से तो केकरो से चिट्ठी लिखवाई भेजल रही का, मेरे नाम से तुम भेजी थी का, नहीं बा नहीं बा, तोर नाती जून कहत रहे हमरे घुरत ही से चिट्ठी नाना ठीन लिख देत हो, कह के चिट्ठी भेटाल रहे बा, ये तो तोर नाती ही लिख बोला था ना, मतलब ये उसकी मम्मी बोली है कि तोर नाती जून कहत रहे कि हमरे घुरत ही हम लोग घूम रहे हैं मतलब वापस जा रहे हैं, से चिट्ठी नाना ठीन लिख देत हो, इसीलिए नाना के यहाँ चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कह के चिट्ठी भेटाई रहे बा। दे तो बेटी वो मोरा मुगरा के, अब क्या बोल रहे हैं कि ना, दे तो वो मुगरा के ई बेईमान कर गोड़ के मोई तोरबू, ओकरे से मार के तोरबू, मोके ठाइके है, ठाइके मतलब ठगता है हमेशा का। तो सेटरा बूढ़े दिन देह के कहलक, ई बूढ़ा बौरात है यो ना, ये बूढ़ा बौरा गया, पागल हो गया, हमरे दुयो माई बेटा तो बियारी बेरा घर पहुंच ली, हम लोग तो बियारी बेरा घर पहुंचे, शाम को पहुंचे हैं, तले कति खन मोई ई के ठके जाए रहो, कब हम इसको ठगने जाए गए हैं, रह रे छोरा। बूढ़ा खुड़मुड़ाड़ उठ के तैर होलक, मतलब खुड़मुड़ाल होके मतलब मारने के लिए उठा, और सेटरा कूद के दूरा से बाहरे निकसलक, कूद के बाहर निकला, और नाना कहते हो गया प्यार, ये गाना गाता था, नाना कहते हो गया प्यार गीत गाते बूढ़ा के घर दने सोझालक, बूढ़ा के घर दने ही ये भी चला गया।
तो कहानी खत्म हो गया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।